अगर आपसे पूछें कि दुनिया में सबसे तेज यातायात का साधन क्या है, तो आप कहेंगे फ्लाइट या फिर बुलेट ट्रेन, है ना? लेकिन आप गलत हैं। जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है एक 747 बोइंग गेट से 200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार की बुगाटी से भी 3 गुना तेज। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हाइपरलूप की। जी हाँ, भविष्य में ट्रेवल की झलक दिखलाते इस हाइपरलूप के पूरा बनने के बाद दुबई और आबू धाबी के बीच की दूरी सिर्फ 12 मिनट में तय की जा सकेगी। ये समझ लो कि इसके बाद एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रेवल करने के मायने ही बदल जाएंगे और ये दुनिया में एक अलग अजूबा होगा। इसलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी इंटरेस्टिंग राइड के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे और आपको जानकर बहुत रोमांचक भी लगेगा। ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही महंगी है और इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी को तो किसी हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म से चुराई हुई लगती है। लेकिन ऐसा क्या है इसमें कि ये बहुत खास है और हाइपरलूप है क्या? इसकी सबसे पहली झलक 2019 में दुबई इंटरनेशनल मोटर शो में देखने को मिली थी और उस दिन से यूएई ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनोवेशन और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इसके चर्चे हैं। दुबई और आबू धाबी वैसे ही आर्किटेक्चर और इनोवेशन की फील्ड में दुनिया में सबसे आगे हैं और हाइपरलूप उनकी इस प्रगति को और भी 10 गुना बढ़ा देता है। ये एक तरह से ट्रेन की तरह है, लेकिन ऐसी ट्रेन जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ये ग्राउंड के अंदर बनाई गई ऐसी ट्रेवल तकनीक है जिसमें किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होगी और यात्रियों के अलावा ये सामान को भी पहुंचाने का काम कर सकती है, वो भी बहुत कम समय में। वर्तमान में दुबई से आबू धाबी जाने में कम से कम 90 मिनट का समय लगता है, लेकिन हाइपरलूप से सिर्फ 12 मिनट में जाया जा सकता है। सुनकर चौंक गए ना आप भी। वैसे तो इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन हाइपरलूप 1 अभी सबसे आगे है। वर्जिन हाइपरलूप 100% इलेक्ट्रिक है और ये मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से एक कैप्सूल की तरह जमीन के अंदर या बाहर बने विशाल और लंबे लो प्रेशर ट्यूब्स के नेटवर्क में सफर कर सकेगा। हाइपरलूप बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इससे यात्री 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकेंगे और वो भी एकदम लग्जरी के साथ। और तो और ये न सिर्फ बिजली की तरह तेज होगी बल्कि बहुत ही शांत और बिना शोर की भी होगी। ये बताया गया है कि इसमें बैठे हुए आपको हर अन्य प्रकार के व्हीकल से कम शोर सुनाई देगा और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हर घंटे इसमें लगभग 10,000 लोग यात्रा कर सकते हैं और यात्रियों की संख्या के अनुसार ही पॉड्स का आकार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ये एकदम नेचर फ्रेंडली है, सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी है और भविष्य की ओर बड़ा कदम है। लग रहा है ना ये कोई एलन मस्क का ही कोई विचार हो, पर ये सत्य भी है। हाइपरलूप का आइडिया एलन मस्क की ही देन है। 2013 में एलन मस्क ने भविष्य की ट्रेवल तकनीकों के बारे में बात करते हुए कहा था कि भविष्य में पॉड्स को ट्यूब में ट्रेवल कराया जा सकता है जो एक घंटे में सैकड़ों मील जा सकती है। ये सुनने में भले ही नामुमकिन लगता हो, लेकिन अगर आप दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हो और आपके नेटवर्थ 74.2 बिलियन डॉलर हो तो आप कुछ अजीबोगरीब आइडियाज पर काम कर सकते हैं। एलन मस्क की कंपनी बोरिंग ने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क शहर के बीच भी हाइपरलूप सुरंगें बनाने का प्रस्ताव किया है जिससे उनके बीच की यात्रा की दूरी सिर्फ आधे घंटे में तय हो सकेगी। हालांकि दुबई में इस प्रोजेक्ट की अगुवाई एलन मस्क नहीं बल्कि रिचर्ड ब्रांसन कर रहे हैं जिनकी नेटवर्थ 4.8 बिलियन है। और हाइपरलूप कॉन्सेप्ट एलन मस्क ने ओपन सोर्स किया था जिसे वर्जिन हाइपरलूप जैसी कई कंपनीज ने अपनाया और उस पर काम शुरू कर दिया। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कनाडा की कंपनी ट्रांसपोर्ट, भारत की कंपनी DGWH हाइपरलूप के अलावा और भी कई कंपनियों ने इसमें अपना हाथ आजमाया है। आबू धाबी की एक कंपनी अल्डार ने 2018 में आबू धाबी और दुबई के बीच 150 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को साइन किया जिसका पहला भाग 2020 के अंत तक सक्रिय होने की संभावना है। भले ही अलग अलग भागों में कई अन्य कंपनीज भी काम कर रही है, लेकिन वर्जिन हाइपरलूप ने सारे प्रोजेक्ट का जिम्मा अपने सर ले लिया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाइपरलूप कामयाब होगा और कई तरह के इकोनॉमिक लाभों का कारण होगा और दुबई और आबू धाबी जैसे देश हैं जो बहुत तीव्र गति से बदलाव ला रहे हैं और 2023 तक शहर में कार्बन एमिशन की मात्रा को लगभग 75% तक कम कर सकते हैं। और हाइपरलूप कंपनी की मार्था क्रिस्टोफ के अनुसार ये ट्रांजिट सिस्टम उसकी ओर अगला कदम है। ये सामान्य रेलों से लगभग 3 गुना ज्यादा रफ्तार से चलेंगी और ट्यूब्स में लगभग पूरी तरह से हवा को हटा दिया जाएगा और निर्वात जैसा वातावरण बनाया जाएगा।
जिससे हवा का घर्षण बल बिल्कुल नहीं रहेगा और इस वजह से पॉड्स लगभग 750 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकेंगे। और हाँ, ये पॉड्स अपनी एयर सप्लाई अलग से लेकर चलेंगे। यात्रा के समय को आधा और प्रदूषण को कम करने के साथ साथ हाइपरलूप का एक और बहुत बड़ा फायदा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है रोजगार। हाइपरलूप के कारण यूएई के लोगों के लिए कई तरह के रोजगार उत्पन्न होंगे और इससे दुबई और पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, और शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए सभी बहुत उत्तेजित है। दुबई हाइपरलूप दुनिया में पहला ऐसा कमर्शियल ट्रैक हो सकता है और भविष्य के प्रति नजरिया बदल सकता है। अब इसके बारे में जानकर आप सोच ही रहे होंगे कि इसे बनाने में कम से कम सैकड़ों बिलियन डॉलर लगेंगे और ये सामान्य रेल सिस्टम से बहुत महंगा होगा, लेकिन नहीं। आश्चर्य की बात तो यही है कि ये सामान्य तेज गति वाली रेलों से सस्ता है और सिर्फ 20 से 40 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर के खर्चे से बन रहा है, और इस पर कुल अनुमानित खर्चा 6 बिलियन डॉलर है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन बिबॉप ग्रिस्टा के अनुसार जो भी पैसा इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा वो लगभग 10 से 15 साल में टिकट सेल से वापस वसूल हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि हम जैसे यात्रियों को एक टिकट के लिए अपनी जेब पूरी तरह से खाली करनी पड़ेगी ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस आ सके। ऐसा नहीं है। हालांकि अभी तक पूरी लागत सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा गया है कि हाइपरलूप में यात्रा सामान्य रेलों और फ्लाइट से सस्ती होगी। आज के समय बीजिंग से शंघाई तक हाई स्पीड ट्रेन से जाना हो तो आपको लगभग $80 खर्च करने पड़ते हैं, और लंदन से पेरिस तक यूरोस्टार से ट्रैवल करने के लिए आपको $60 खर्च करने पड़ते हैं, और वो भी सिर्फ एक ही टिकट के लिए। इन्हें देखते हुए हाइपरलूप का किराया बहुत कम नहीं बल्कि लगभग इनके समान ही रह सकता है। अगर आप हाइपरलूप की गोल्ड क्लास का टिकट नहीं लेते हो तो दुबई गगनचुंबी इमारतों, बहुत ही एडवांस डिजाइन्स और कई आकर्षक केंद्रों वाला देश है जिसमें हर तरफ ही बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया है ताकि रेगिस्तान का ये इलाका दुनिया में सबसे आगे रह सके। पर ये समझ पाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि इसे सिटी ऑफ गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ATM मिल जाएंगे जिनमें से सोने की बार्स निकलती हैं। हाइपरलूप तो दुबई के आगामी प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन इससे पहले भी दुबई में कई ऐसे मेगा बिलियन प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। पूरी दुबई पर नजर रखता 2717 फीट लंबा बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टावर है जिसमें 160 फ्लोर्स हैं, और उनमें से कई में $7 मिलियन पेंट हाउसेस भी हैं जिनमें आप रह सकते हैं। 124वें फ्लोर पर रहते हुए अगर आप चारों ओर देखते हैं तो आपको ऐसा नजारा दिखता है कि आप रोमांचित हो जाएंगे। इसे बनाने में $1.5 बिलियन खर्च हो गए थे, और उसे बनाने के दौरान प्रतिदिन पूरे विश्व से आए 12,000 से भी ज्यादा कर्मचारी इस पर काम करते थे, और 6 साल में कुल 22 मिलियन घंटे काम किया तब जाकर यह अजूबा खड़ा हो पाया। इसके अलावा दुबई में 1378 फीट लंबा और 80 फ्लोर का रोटेटिंग टावर बन रहा है जिसमें आप सुबह उठो तो उगता हुआ सूरज देख सकते हैं और शाम को डूबता हुआ। इसे डायनामिक टावर होटल या द विंची टावर के नाम से जाना जाता है, और ये भी कोई कम नहीं है। इसकी लागत $1.2 बिलियन है। इसकी एक खास बात ये भी है कि इसका घूमने वाला हर फ्लोर पहले ही कंपनी में बनाया जाता है और बाद में बिल्डिंग तक पहुंचाया और जोड़ा जाता है, जिससे इसे बनाने का समय बहुत कम लगता है। क्या गगनचुंबी इमारतें बनाने का यही भविष्य है? ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। इसके अलावा इन्होंने दुनिया की सबसे पहली 7-स्तर होटल भी बना ली है जिसका नाम बुर्ज अल अरब है, और हालांकि ये आज से लगभग 20 साल पहले ही बन गई थी, लेकिन ये बहुत ही आधुनिक और अलग है। इसके खूबसूरत रॉयल स्वीट में एक रात रहने का खर्चा $24,000 है। इसके अलावा दुबई में एक ऐसा म्यूजियम बन रहा है जिसमें भविष्य की नई तकनीकें दिखाई जाएंगी और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखने को मिलेगा। $400 मिलियन से भी अधिक लागत पर बनने वाला ये दुनिया का सबसे महंगा म्यूजियम होगा। इसके बारे में जानकर ये तो स्पष्ट है कि दुबई शहर भविष्य की तकनीकों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अगर आप कभी दुबई गए हो या जाने का प्लान है तो आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपकी बकेट लिस्ट में क्या क्या है, और हाइपरलूप की शुरू होते ही क्या आप उसमें ट्रैवल करना पसंद करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।